बहन और भाइयों, राजस्थान में संबोधन में राम राम कहते हैं और यहां आतंकवादियों का जो है राम नाम सत्य है भी हो रहा है। दुनिया आज इसको स्वीकार कर रही है, दुनिया इसका स्वागत कर रही है, लोग इस बात को मान रहे हैं कि भारत जो कर रहा है ये मानवता के हित में कर रहा है। दुनिया इस बात को मानती है कि भारत का जो भी कदम होगा वो विश्व मानवता के हित में होगा। हमारी सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, कोई देश आज आतंकवाद को प्रश्रय देने की हिम्मत नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसे मालूम है आतंकवाद को कहीं प्रश्रय दिया तो न जाने कब एयर स्ट्राइक के माध्यम से उस देश को लेने के देने पड़ जाएंगे। देश के अंदर स्वच्छता का बेहतर वातावरण हुआ है, नक्सलवाद समाप्त, आतंकवाद समाप्त, कश्मीर की पत्थरबाजी समाप्त, अब तो कश्मीर विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ करके लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ आगे बढ़ रहा है। अमरनाथ की यात्रा पूरी भव्यता के साथ हुई, लाखों पर्यटक जम्मू कश्मीर जा रहे हैं, माता वैष्णो देवी की यात्रा में जा रहे हैं, एक नया परिवर्तन देखने को मिला है। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए, ये दिल्ली मुंबई कॉरिडोर का जो निर्माण हो रहा है ना, एक्सप्रेस हाईवे का जो निर्माण हो रहा है, दौसा भी इससे सर्वाधिक लाभान्वित होने वाले जनपदों में से है। बहनों और भाइयों, आईआईटी, आईएम, एम्स, मेडिकल कॉलेज, हर घर नल की योजना, पीएम सिंचाई, कृषि सिंचाई योजना के अंदर हर खेत को पानी पहुंचाने का संकल्प आज भारत के अंदर हो पा रहा है। और राजस्थान में आपने अपनी सरकार बनाई है तो स्वाभाविक रूप से डबल इंजन होने के नाते इसका लाभ आपको प्राप्त होगा, इसका लाभ राजस्थान को प्राप्त हो रहा है। ये सभी कार्यक्रम तो हो रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, एक समय था कांग्रेस के समय में गरीबों के हकों पर डकैती डाली जाती थी, एक है मोदी जी का समय, 80 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ मिल रहा है ना, क्या कांग्रेस ने कभी दिया है क्या, ये गरीबों को राशन दिया है क्या? देश के अंदर 60 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर भी दे दिया गया। अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर तो बना ही है, 4 करोड़ गरीबों के मकान भी बन गए। 12 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ भी मिल रहा है। 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय भी बन गए हैं। 10 करोड़ गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना का लाभ भी मिल गया है और 2.5 करोड़ घरों में बिजली भी फ्री में पहुंच गई है। बहनों और भाइयों, ये गरीब कल्याण भी हो रहा है। नौजवान के लिए आजीविका है तो आम भारतीय के लिए उसकी आस्था का सम्मान भी है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण क्या ये कांग्रेस के लोग करा पाते क्या, ये लोग करा पाते क्या? ये लोग तो कहते थे राम हुए ही नहीं, कृष्ण हुए ही नहीं, यही तो कहते थे ये लोग। सुप्रीम कोर्ट में इन लोगों ने एफिडेविट दिया था, ये हुए ही नहीं। हमारा संबोधन राम के बगैर हमारा कोई काम नहीं, कृष्ण के बगैर कोई लीला नहीं। राजस्थान में जन्मी हुई भक्ति शिरोमणि मीराबाई ने पूरा जीवन कृष्ण के
भक्ति के लिए समर्पित कर दिया था। भक्त कवियों की संतों की एक लंबी श्रृंखला देश के अंदर थी जिन्होंने पूरा जीवन राम और कृष्ण के लिए समर्पित किया था। हम भारतीयों में कोई ऐसा नहीं जो राम और कृष्ण के बगैर अपने जीवन की कल्पना करता हो। लेकिन बहन और भाइयों, कांग्रेस के लोग कहते हैं राम और कृष्ण हुए ही नहीं, ये भारत की आस्था के साथ खिलवाड़। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, कांग्रेस नहीं चाहती थी अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की बाधाएं समाप्त हो, क्योंकि कांग्रेस तो स्वयं में समस्या है, एक समस्या है, देश की समस्या कांग्रेस थी, और इसलिए समस्या का समाधान नहीं बल्कि देश को समस्याएं देती रही हो। मोदी जी ने समाधान दिया, आज अयोध्या में राम मंदिर का भव्य निर्माण का काम भी हो गया ना। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, अब कोई संदेह अयोध्या पे कोई संदेह है क्या? आज जाइए नई अयोध्या का दर्शन करिए। जो व्यक्ति 10 साल पहले गया होगा और आज के अयोध्या को देखेगा ना, तो उसको लग जाएगा कि धरती पे सचमुच कोई स्वर्ग है तो अयोध्या है। बहनों और भाइयों, कांग्रेस के लोग कर्फ्यू लगाते थे, कर्फ्यू इनके डीएनए का हिस्सा था। आज कर्फ्यू नहीं लगता है, आज तो आप यूपी में जाएंगे 7 वर्ष से कोई दंगा ही नहीं हुआ, वहां कोई कर्फ्यू नहीं, कावड़ यात्रा धूमधड़ा।